हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स को पढ़ने वाले हैं। एज वी सी एयर इज ऑल अराउंड अस, हम देखते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। एंड द एनवेलप दैट सराउंडिंग आर अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज एटमोसफेयर, और एयर का वो एनवेलप जिसने हमारे एटमोसफेयर को, वातावरण को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं। हम एयर को देख नहीं सकते, बट एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी कांट सी, टेस्ट और स्मेल एयर, बट एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर भी एयर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होती रहती है, मूव करती है। सो द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस कॉजेज एयर प्रेशर। जब एयर मूव कर रही है तो बीच में जो भी सरफेस आता है उसके, या कोई भी बॉडी अगर उसके रास्ते में आ रही है, तो उस पर वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, उसका जो वेट लग रहा है, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस कॉजेज एयर प्रेशर। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं एयर किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करती है। एज यू सी इन द पिक्चर, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक बॉय है, इसने क्या किया, इट फर्स्ट ऑफ ऑल ही फिल्स अ ग्लास विद वाटर। इसने एक ग्लास में पानी भरा और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड को लगा दिया। फिर कार्डबोर्ड को कुछ सेकंड के लिए उसने वहाँ होल्ड किया, एंड देन टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, और फिर उसके बाद ग्लास को उल्टा कर दिया। फिर कुछ सेकंड्स के लिए उसने नीचे से कार्डबोर्ड को पकड़ के रखा, एंड देन स्लोली ही रिमूव्स हिज हैंड। धीरे धीरे वो अपने हाथ वहाँ से निकालता है। डज द वाटर स्टे इन द ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पानी ग्लास में रहेगा? एंड वॉट होल्ड्स द पीस ऑफ कार्डबोर्ड अगेंस्ट द ग्लास। क्या चीज़ है जो कार्डबोर्ड को अभी भी ग्लास से स्टिक किए हुए हैं? तो ऑब्जर्वेशन ये है कि पानी अभी भी ग्लास के अंदर ही है, बिकॉज कार्डबोर्ड इसलिए नहीं गिरा बिकॉज एयर एग्जर्ट्स प्रेशर फ्रॉम डाउनवर्ड। नीचे से कार्डबोर्ड पे ऊपर की तरफ, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो हमारे एरोज हैं यहाँ से दिखाया गया है, एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और आप देखेंगे जो वाटर ग्लास का सरफेस एरिया है और नीचे जो कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया है, तो उसमें कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो कार्डबोर्ड पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है। इस वजह से जो कार्डबोर्ड है वो नीचे नहीं गिरता है। तो इसका मतलब हम ये समझ गए हैं कि हवा जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। हमें इसके लिए चाहिए एक रूलर, आपका स्केल, एक टेबल और एक न्यूज़पेपर। क्या करना है आपको? प्लेस अ रूलर ऑन अ टेबल सो दैट वन इट्स एंड हैंग्स अबाउट 8 सेंटीमीटर आउट ऑफ द एज। आपको रूलर को टेबल पे इस तरीके से रखना है कि उसका 8 सेंटीमीटर का जो पार्ट है वो टेबल के बाहर की तरफ हो। स्प्रेड अ न्यूज़पेपर शीट ओवर द रूलर एज शोन इन द फिगर, और आपका जो न्यूज़पेपर है उसको पूरा फैलाकर उस रूलर के टेबल वाले पार्ट पे आप रख दें। नाउ हिट द पार्ट ऑफ रूलर, जो पार्ट टेबल से बाहर निकला हुआ है उसको आप अपनी फिंगर से हिट करें। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें। नाउ फोल्ड द न्यूज़पेपर ट्वाइस और थ्राइस टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया, एंड देन कवर द रूलर अगेन। अब इसी तरीके से आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, आप अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर देंगे दोबारा से, यू विल हिट द रूलर, फिर एक और फोल्ड करेंगे, फिर रूलर को हिट करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू सेम प्रोसेस विदाउट कवरिंग द रूलर विद अ न्यूज़पेपर। ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है? इट बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू मूव द रूलर अप इन फर्स्ट केस। पहले केस में हमें रूलर जब हिट किया था तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, एज़ कम्पेयर टू वेन वी फोल्ड अप द न्यूज़पेपर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर इज़ मोर अबव द फ्लैट एंड पेपर। जब पेपर, न्यूज़पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा था तो उसके ऊपर एयर ज़्यादा प्रेशर लगा रही थी, इसलिए रूलर से हमें उस पेपर को उठाने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था। एंड इट विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट द रूलर अप। इट इज़ द एयर प्रेशर दैट प्रेशर्स द न्यूज़पेपर डाउन टू ऑन द रूलर। ये एयर प्रेशर है जो न्यूज़पेपर को रूलर पर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हमें न्यूज़पेपर को
ऊपर उठाने के लिए रूलर पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एयर के प्रेशर एग्जर्ट करने के कुछ हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाइल बोटिंग यू फाइंड इट इजियर टू रो द बोट व्हेन विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम बिहाइंड यू। जब आप बोटिंग कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, अगर हवा आपके पीछे से आ रही है तो आपके लिए बोट चलाना ईजी हो जाता है, और अगर आपके सामने से आ रही है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड, इट इज़ ईजियर टू फ्लाई ए काइट व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग बिहाइंड यू। अगर आप एक पतंग उड़ा रहे हैं और हवा आपके पीछे से आ रही है तो बैक साइड से आ रही है, आप उस डायरेक्शन में खड़े होंगे कि एयर जो है वो आपके बैक साइड से आए, तो आप जो काइट जो है ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से हम ये समझ रहे हैं कि एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जिस एरिया में विंड्स बहुत स्पीड से चलती हैं, मूव करती हैं, वहाँ पर रिड्यूस एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब एयर प्रेशर कम हो जाता है, ये भी समझेंगे हम। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र एयर प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एयर प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, एयर प्रेशर मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, बैरोमीटर। देखो, मूविंग एयर लोअर्स द एयर प्रेशर। किस तरीके से हाई स्पीड विंड्स लोअर प्रेशर क्रिएट करती हैं ये हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। प्लेस अ बुक ऑन अ टेबल। आप एक टेबल पे बुक रख दीजिए एंड फिक्स अ पेपर स्ट्रिप ओवर द बुक बाय फोल्डिंग इट्स एंड बिटवीन द पेजेस ऑफ द बुक। एक पेपर स्ट्रिप को आप फोल्ड करके बुक पे रखें, इट्स फोल्डिंग इट्स एंड बिटवीन द पेजेस ऑफ द पेपर, और उसके जो एंड है वो आप बुक्स के पेजेस के बीच में फिक्स कर देंगे। ब्लो एयर अबव द स्ट्रिप ओवर द स्ट्रिप। आप अब स्ट्रिप पर हवा मारेंगे या एयर ब्लो करेंगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, द पेपर इज लिफ्टेड अपवर्ड्स। आपका जो पेपर है ना वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। दोनों एंड्स को आपको बुक्स के पेजेस में फिक्स कर देना है। जब आप उसमें एयर ब्लो करते हैं तो बीच में से पेपर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्या कंक्लूजन निकलता है इस एक्टिविटी से, व्हेन वी ब्लो एयर ओवर द पेपर स्ट्रिप द एयर मूव्स फास्टर। जैसे ही हमने पेपर स्ट्रिप पे एयर ब्लो की तो एयर हवा बहुत तेज़ी से बह रही थी। व्हेन द एयर मूव्स फास्टर द प्रेशर बिकम्स लेस। जैसे ही हवा तेज़ी से निकल जाती है तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एयर तो वहाँ से निकल गई है, तो जहाँ एयर प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ एयर प्रेशर कैसे होगा, कम होगा। बट द एयर बिलो द पेपर एग्जर्ट्स प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो हवा पेपर के नीचे प्रेजेंट है वो अभी वहाँ से मूव नहीं की है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करती है पेपर को ऊपर की तरफ। दिस लिफ्ट्स द पेपर अपवर्ड्स। इसी की वजह से पेपर ऊपर की तरफ उड़ता है। एंड दिस कंक्लूड दैट मूविंग एयर लोअर्स द प्रेशर ऑफ द एरिया इट ऑक्यूपाइज। इससे ये कंक्लूजन है कि जो मूविंग एयर है, हाई स्पीड विंड्स हैं, वो लोअर एयर प्रेशर क्रिएट करती हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं। आपको इसमें दो पिंग बॉल्स लेनी है, पिंग पोंग बॉल्स आती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, उनको आप थ्रेड से टाई अप करें और एक स्टैंड पे लगा दें। आपको ध्यान का क्या रखना है इसमें, अबाउट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दो बॉल्स के बीच में जो थ्रेड आप टाई अप करेंगे स्टैंड पर, उनके बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ब्लो इन बिटवीन द बॉल्स एंड ट्राई टू सेपरेट देम। अब आप ब्लो इन करें उनके बीच में ताकि आप बॉल्स को सेपरेट कर सकें। बट वॉट वुड यू ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है, आर यू एबल टू मूव द बॉल्स। क्या आप ब्लो इन करने पर दोनों बॉल्स को सेपरेट कर देते हैं, उनके बीच का गैप इंक्रीज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है, द बॉल्स आर पुश टूवर्ड्स ईच अदर। जैसे ही आप ब्लो करते हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, बॉल्स एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाती हैं। वाई, बिकॉज वैन वी ब्लो बिटवीन द पिंग पोंग बॉल्स द एयर प्रेशर बिटवीन दैम गेट्स रिड्यूस्ड। जैसे ही हमने एयर ब्लो की, एयर प्रेशर दोनों बॉल्स के बीच में कम हो गया, क्योंकि फास्ट मूविंग एयर थी वहाँ पे। फास्ट मूविंग एयर ने जल्दी से वो एरिया कवर कर लिया, वो वहाँ से निकल गई। एंड द एयर प्रेशर आउटसाइड द बॉल इज़ हायर, और प्रेशर ज़्यादा था बॉल्स के साइड में। ये अगर आपकी बॉल्स हैं तो यहाँ से एयर जैसे ही मूव कर जाती है, ये स्पेस खाली है, लेकिन यहाँ पर स्टिल एयर इज़ प्रेजेंट, यहाँ हवा प्रेजेंट है, तो वो इस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। इस तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बट इस तरफ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इस वजह से ये बॉल्स जो हैं दूर जाने के बजाय क्या आती हैं, कम पास आ जाती हैं, दे कम क्लोज।
नाउ हाउ विंड्स आर कोज्ड, हमारी जो हवाएं हैं वो किस तरीके से बनती हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चल रही है मूव कर रही है उसे हम विंड कह रहे हैं. एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ सरफेस पर जो चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर का, उसकी वजह से विंड्स क्रिएट होती हैं. और विंड्स हमेशा दे ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं. और ये किस पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पे. हमारी विंड की डायरेक्शन भी टेम्परेचर और प्रेशर पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर की तरफ जा रही है, तो जिस तरफ लोअर एयर प्रेशर होगा हवाएं हमेशा उसी तरफ उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं. ग्रेटर इज़ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ग्रेटर इज़ द स्पीड ऑफ विंड, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, एयर प्रेशर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही स्पीड हवा की तेज होगी. बिकॉज डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज़ ड्यू टू एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, क्योंकि एयर जो है वो गर्म होने पर एक्सपांड करती है, जैसे ही वो एक्सपांड करती है लाइट वेट हो जाती है, और लाइट वेट एयर मूव करना उसके लिए ईजी है, इट मूव टूवर्ड्स अपवर्ड. ये किसने ऑब्जर्व किया था, ये हमारे एक स्विस मैथमेटिशियंस थे, डेनियल बर्नौली. तो बर्नौली ने सबसे पहले हमारी जो विंड्स हैं किस तरीके से बनती हैं उसको फाइंड आउट किया. एयर गर्म कैसे होती है और एक्सपांड करती है, ये हम इस एक्टिविटी में देखते हैं. टेक अ ग्लास बॉटल, आपको एक ग्लास बॉटल लेनी है. एंड टाई ए बलून टाइटली ऑन द नेक ऑफ द बॉटल, बॉटल के नेक पे आप एक बलून को टाई अप कर दे, बांध दें. प्लेस दिस बॉटल इन अ कंटेनर हैविंग हॉट वाटर फॉर सम टाइम, अब इस बॉटल को आप हॉट वाटर के कंटेनर में रखें जहाँ गर्म पानी है कुछ समय के लिए. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बैलून जो है वो ब्लो अप हो गया है, मतलब उसमें हवा भर गई है, इन्फ्लेटेड बैलून हो गया है, साइज़ बड़ा हो गया. नाउ रिमूव दैट बॉटल फ्रॉम देयर, वहाँ से उसे निकालें. नाउ पुट दैट इन अनदर कंटेनर दैट इज़ आइस कोल्ड वाटर, ऐसे कंटेनर में रखें जिसमें ठंडा पानी है. क्या होगा, इट डिफ्लेट्स, सारी की सारी हवा उसकी गैस जो है वो निकल जाएगी. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एज द एयर इन बॉटल गेट्स हीटेड बाय द हॉट वाटर एक्सपांड्स एंड द पार्टिकल ऑफ एयर इन साइड द बॉटल, द पार्टिकल ऑन बिकमिंग वॉर्म मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड टेक अप मोर स्पेस, जब एयर के पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं वो गर्म होने पर, इसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो, एक्सपांड करती है एयर. द एयर बिकम्स लेस डेंस एंड ऑल्सो लाइटर, और इस वजह से एयर जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट वार्म एयर राइजेस, डेंसिटी हल्की हो गई है इसी वजह से एयर जो है वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है. तो हमारा जो बैलून था इसी कारण से, इसी हॉट एयर की वजह से इन्फ्लेट हुआ था. कूलिंग करने पर पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और टेक अप लेस स्पेस, उनका स्पेस कम हो जाता है, डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. Thus, air expands on heating and warm air becomes lighter and rises up. तो इस एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हवा गर्म होने पर एक्सपेंड करती है. टू शो दैट वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, अब ये देखते हैं कि वार्म एयर हल्की कैसे हो जाती है गर्म होने पर. यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है, एक्टिविटी ये शो कर रही है, आपको एक स्टैंड लेना है, उसमें आपको पेपर बैग जो बनाकर वो टाई अप करने और एक कैंडल को लाइट करके रख देना है. टेक अ लॉन्ग एंड थिन वुडन स्टिक, मार्क इट सेंटर, टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, हैंग टू आइडेंटिकल पेपर बैग एट ईच एंड ऑफ द स्टिक, दोनों सेम साइज के आइडेंटिकल बैग आप अलग अलग एंड्स पे ज्वाइन कर देंगे. व्हेन द विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड होल्ड द स्टिक, थ्रेड की हेल्प से आप उसको बीच में पकड़ के रखेंगे. एंड बैलेंस द बैग्स, नाउ प्लेस अ कैंडल बिलो वन ऑफ द पेपर बैग, अब इन दोनों में से किसी भी एक पेपर बैग के नीचे आप एक जलती हुई कैंडल रख देंगे. द बैग अबव द कैंडल इज पुश्ड अप, आप देखेंगे जो बैग कैंडल के साइड था वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो बैग कैंडल की साइड नहीं था वो नीचे की तरफ आ जाएगा. व्हेन द एयर बिकम्स वार्म इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप, तो ये शो करती है कि जैसे ही एयर गर्म होती है
इट एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप, ये लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, एंड द बैग अबव द कैंडल इज पुश्ड अप, इसी की वजह से जो बैग था कैंडल का वो ऊपर की तरफ चला गया, एंड डिस्टर्ब्स द बैलेंस, अब वो इक्वल बैलेंस पे नहीं रहेगा हमारा, हमारी स्टिक जो वुडन स्टिक है हमारी, दिस शोज दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, इससे हमें ये पता चलता है हमारी जो वार्म एयर है वो लाइटर है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर. नेक्स्ट वी सी हेयर विंड करंट्स. विंड करंट्स कैसे बनते हैं, हमने कहा कि अनइवन हीटिंग के कारण बनते हैं, हमारे अर्थ सरफेस पे अनइवन हीटिंग होती है जिसकी वजह से विंड करंट क्रिएट हो रहे हैं. देखो ये आपका सपोज अर्थ सरफेस है और यहाँ पे पोलर रीजन दिखाया हुआ और इक्वेटर दिखाया हुआ, 90 डिग्रीज पे आपको पोल फ्रंट बताया गया है, पोलर फ्रंट, वार्मर एयर राइजेस लो प्रेशर. ये जो एयर की डायरेक्शन है ये शो कर रही है कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट अलग अलग अमाउंट की हीट रिसीव करते हैं फ्रॉम द सन. द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, जो इक्वेटर है हमारा इक्वेटर पे सन से डायरेक्ट हीट आ रही है. एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप लीविंग लो प्रेशर एरिया बिहाइंड, इस एरिया से जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है और नीचे एक लो एयर प्रेशर एरिया छोड़ जाती है. द कूलर एयर बिटवीन 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड द इक्वेटर मूव्स इन टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर, यहाँ 30 डिग्री से एयर इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है क्योंकि जो एरिया जो स्पेस इस एयर ने मूव कर दिया है, इस एयर ने सॉरी इक्वेटर पर जो स्पेस खाली रह गया है हॉट एयर के कारण, ये 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड उसकी तरफ मूव कर रहा है, मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड की एयर उस तरफ मूव कर रही है ताकि उस एयर स्पेस को फिल किया जा सके. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम ईदर साइड, दोनों ही तरफ से ये जो विंड्स हैं ये ब्लो कर रही हैं. द एयर एट द पोल्स इज मच कूलर देन दैट ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड, जो हमारे पोल्स हैं यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है वो ज़्यादा ठंडी हैं एज कम्पेयर टू 60 डिग्री लैटिट्यूड. Here also the warm air from 60 degree latitude rises up and cooler air from the polar region moves in. तो हमारा जो polar region है उससे air ठंडी है तो वो cooler region है, वो नीचे downward move करेगी और जो हमारा 60 degree latitude है वहाँ पर air warmer है as compared to 90 degree पे, तो वो air जो warmer air है that moves upward, वो ऊपर की तरफ move कर रही है और वहाँ जो space खाली है उस area को fill करने के लिए cooler air moves towards that. तो इस तरीके से अनइवन हीटिंग के कारण एयर विंड्स या विंड करंट्स जो है वो फॉर्म होते हैं. ड्यूरिंग समर सीजन लैंड नियर द इक्वेटर बिकम्स वार्म फास्टर देन वाटर इन द ओशियन, समर सीजन में जो लैंड इक्वेटर पे प्रेजेंट है वो जल्दी गर्म हो जाती है. द एयर अबव लैंड बिकम्स वेरी हॉट एंड राइजेज अप, जैसे ही एयर गर्म होती है वो लाइट वेट होती है एंड राइजेज अप एंड लीव्स अ लो प्रेशर एरिया. द कूलर एंड डेंसर एयर फ्रॉम द ओशियन फ्लो टूवर्ड्स द लैंड, तो ओशियन से जो ठंडी हवा है वो उस स्पेस को फिल करने के लिए लैंड की तरफ ब्लो करना शुरू करती है. एंड दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स, ओशियन से आ रही है इसका मतलब उस उन विंड्स के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है और उसी मॉइस्चर से वो मॉनसून विंड्स कहलाती हैं और वो मॉनसून विंड्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मॉनसूनल मॉनसून सीजन चल रहा है. मॉनसून इज अ मॉनसून इज अ सीजनल शिफ्ट, ये एक सीजनल शिफ्ट की वजह से होते हैं मॉनसून विंड्स, जब टेम्परेचर डिफरेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है तब. एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएट ड्यू टू द वाटर साइकिल, आपने वाटर साइकिल भी पढ़ा होगा, वाटर साइकिल की वजह से भी टाइम पीरियड फिक्स है, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन एंड देन रन ऑफ और रेन, उसके बाद बारिश होगी,
ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इनका रीज़न क्या है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा.